नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राधास कलनरी। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरत्न कोरमा, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये सब्जियाँ ली हैं, यहाँ पर ये गाजर है क्यूब्स में कटी हुई, इसको हमने ब्लांच कर लिया है। ये गोभी है, इसको भी हमने छोटे टुकड़ों में काट के ब्लांच कर लिया है। मटर को भी हमने ब्लांच किया है, और ये हमारी फ्रेंच बीन है, हमने इसको भी ब्लांच किया है। और शिमला मिर्च को हमने ब्लांच नहीं किया है, इसको हमने ऐसे ही रखा है। ये सब हमारे 250 ग्राम है, ये भी 250 ग्राम है, ये भी 250 ग्राम है, और 200 ग्राम हमारे मटर के दाने हैं। यहाँ पर हमने ये 1 से 2 बेलीफ लिया है, तेजपात का पत्ता, और 2 हमारी बड़ी इलायची है काली वाली। यहाँ पर है ये 1/2 कप दूध, 1 कप काजू का पेस्ट। हमने काजू को पानी में 5 से 10 मिनट के लिए ब्लांच कर लिया था, और मिक्सी में पीस के उसको इसका पेस्ट बना लिया है। 1 TBSP हमारा ज़ीरा पाउडर, 1 TSP हमारा गरम मसाला, 1/2 TSP है काली मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 8 से 10 हमारे पिस्ते हैं। पिस्ते ऑप्शनल हैं, अगर आप ना चाहें तो ना डालें। ये हमारे 10 से 12 काजू और 10 से 12 हमारी किशमिश हैं। यहाँ पर ये हमने 2 से 3 प्याज ली थी, पानी में हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, और फिर उसको ड्रेन कर लिया पानी को। ये है 3 से 4 कलियाँ लहसुन की, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और 2 हमारी हैं हरी मिर्ची, इसको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमें इन दोनों को मिलाकर इसका एक पेस्ट बनाना है। हम ये मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और अब इसको पीस के इसका एक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, हमने इसको पीस के इसका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, हमारा पेस्ट अब तैयार है। हमने इसको पीस के पेस्ट बना लिया है। इसको हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं, इसको गर्म होने देंगे। ये देखिए, हमारा घी जो है गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने काजू डालेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए बस भूनना है, नहीं तो ये जल्दी से जल जाते हैं। देखिए, हमारे काजू रोस्ट हो चुके हैं, हम इनको एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसमें पिस्ते डाल रहे हैं, बस हमें इनको 1 से 2 मिनट तक ही भूनना है, काजू को भी पिस्ते को भी, ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको भी निकाल देंगे। अब हम इसमें किशमिश डाल रहे हैं, किशमिश को भी निकाल देंगे। बचे हुए घी में बेलीफ डालेंगे अपना, और बड़ी इलायची डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखनी है यहाँ पर। अब हम ये प्याज वाला पेस्ट डाल देंगे। ये जो हमारा नवरत्न कोरमा होता है, ये मीठी साइड पे होता है थोड़ा, और इसमें चीज़ें भी लगभग 9 ही जानी चाहिए। 5 से 6 सब्जियाँ, 2 से 3 ड्राई फ्रूट्स। आप यहाँ पे मखाना भी डाल सकते हैं इसमें रोस्ट करके, और पनीर भी डाल सकते हैं, इच्छा है आपकी। क्यूब कीजिए पनीर के, और उसको फ्राई करके उसको भी डाल दीजिए। जब हम सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे तभी आप पनीर भी डाल दीजिए साथ में। ये देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए हमने अपनी प्याज के पेस्ट को फ्राई कर लिया है। हमारा जो काजू का पेस्ट है वो ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डाल रहे हैं, गरम मसाला, काली मिर्ची का पाउडर, नमक हम यहाँ पे स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम ही रखनी है, अगर ज़्यादा तेज़ होगी हमारी गैस तो हमारा काजू का पेस्ट जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है काफ़ी। हम इसमें से ये जो बेलीफ है इसको निकाल देंगे, इलायची को भी निकाल देंगे। अब हम इसमें अपना मिल्क ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अब इसको हम बॉईल होने देंगे एक बार। यहाँ पर हम इसमें 1/2 कप पानी डाल रहे हैं, मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए, हमारा बॉईल हो गया है अब ये मिक्सचर। अब हम इसमें अपनी सब्जियाँ ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसमें पहले गोभी डाल रहे हैं, अब गाजर डालेंगे, फ्रेंच बीन, मटर और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने यहाँ पर ब्लांच नहीं की है, ऐसे ही ऐड कर रहे हैं हम। इसको मिक्स करेंगे। इस समय आप यहाँ पर नमक देख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। साथ ही में हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी सब्ज़ी को चेक करेंगे। अब हमारा नवरत्न कोरमा लगभग तैयार है। इसमें हम यहाँ पर 1/2 कप
क्रीम डाल रहे हैं, फ्रेश क्रीम है ये। मिक्स करेंगे इसको। अब हमारा नवरत्न कोरमा बनकर तैयार है। हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको सर्व करेंगे। अब हम एक सर्विंग डिश लेंगे, उसमें इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, हमने इसको सर्व कर दिया है। हमारा नवरत्न कोरमा बनकर तैयार है। आप भी बनाइए और अपने अनुभव मुझे कमेंट में शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप इसको नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।